बसमीम सना रब मेहरबान के नाम दरूद सलाम शान का इनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफी ने वतन को सलामर करता है नाज़रीन आपकी फरमाइश पर पेश खिदमत है हल्के का तजिया और हलका है एन एच चौंसठ गुजरात शहर जी नाज़रीन बड़े हल्के का बड़ा तजिया और माजी में यहाँ से चौधरी बरदरान कितनी बार फाते रहे इनके मद्दे मुकाबल चौधरी अहमद मुख्तार रिवायती हरीफ थे वो कितनी बार यहाँ से एम एन ए बने और अब दो हज़ार चौबीस में चौधरी बरदरान के आपस में ही क्या फूट पड़ी है कि सगई प्फी के मुकाबले में भतीजा चौधरी शिजाजान का साहब ज़्यादा मार का आ रहा है ना जिन पेशे है इस हल्के की तारीख के साथ इसका तज्जिया बात हो रही है हल्का एन ए चौंसठ गुजरात शहर की जिसके साथ कुंजा भी शामिल है नाजिन उन्नीस सौ पचासी से इसका सफ़र शुरू होता है गैर गैर-जमाती इलेक्शन जब हुए तो चौधरी शुजात हुसैन जो कि चौधरी जहूर अलई के बड़े बेटे हैं वो गुजरात शहर से इस सीट पर एम एन ने मुंतब हुए नाजिन उन्नीस सौ अठासी जब जमाती बुनियादों पर यह इलेक्शन आया तो ये हल्का जो है इसका एलेक्टोरल नंबर चेंज हो गया और यहाँ से फिर दोबारा चौधरी शुजात हुसैन ने मैदान मारा कामयाब रहे और इसी तरह बदतरतीब उन्नीस सौ नबे में भी चौधरी शुजात हुसै ही यहाँ से याब रहे उसके बाद नाजिन उन्नीस सौ तिरानवे का इलेक्शन आया और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अहमद मुख्तार सर्विस इंडस्ट्रीज जिनकी पहचान है उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को शिकस्त दे दी अब की बार और उसके बाद नाजिन फिर उन्नीस सौ सतानवे में दोबारा चौधरी शुजात हुसैन ने कम बैक किया और एक बार फिर वो एम एन ए बने और ये उनकी चौथी बार थी उसके बाद नाजिन दो हज़ार दो का इलेक्शन आता है और चौधरी शुजात हुसैन दोबारा एम एन ए मुंतब होते हैं इस हल्का इंतहा से और 2008 के इलेक्शन में एक बार फिर अहमद मुख्तार ने चौधरी शुजात हुसैन को शिकस्त दी और यूं वो इलेक्शन से बाहर हो गए ना जिन गोया पाँच बार चौधरी शुजात हुसैन गुजरात शहर की सीट से एम एन ए बने न सिर्फ़ एम एन ए बने बल्कि बहुत सी वजारतों पर फायज़ रहे जिसमें वजारत दाखिला भी है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने काम किया और इस शहर का और इस सीट का ये एजाज़ है कि चौधरी शुजात हुसैन जब वजी अला वज़र अजम मीर ज़फ़र खान जमाली को चलता किया परवेज़ मुशरफ़ ने तो जो आर्जी एक मदत थी अगले वज़िर अजम शौकत अजीज़ के इंतब तक की तो चौधरी शुजात हुसैन पर नज़र इंतहा ठहरी परवेज़ मुशर्रफ़ की और चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के वज़ी अजम भी रहे जिन इसके बाद दो हज़ार तेरह का एलेक्शन आता है इसमें इस शहर की सीट से चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो आए और दो हज़ार अठारह का इलेक्शन जो था वो भी उन्होंने जीता और 2013 का इलेक्शन भी यानी चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात शहर की सीट से दो बार एम एन मुंतब हुए पांच बार चौधरी शुजात हुसैन एम रहे और दो बार नाजिम इस सीट से चौधरी अहमद मुख्तार रहे हैं अब बात करते हैं जनाब दो की चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन गुजरात शहर की सीट से एमएनए के उम्मीदवार हैं काफली के टिकट पर और उनके मध्य मुकाबल बड़ा मार का लड़ना पड़ा कागजात नामजदगी कभी रिजेक्ट होते रहे कभी गायब होते रहे और चौधरी परवेज अलाही की अहलिया कैसरा बेगम को और सुमीरा इलाही चौधरी शुजात हुसैन की बेटियों को गुजरात की कचहरी में डी के दफ्तर के बाहर धक्के दिए गए और पर्स छीनने की कोशिश भी की गई कागजात छीनने की कोशिश की गई अब जनाब सूरत हाल कुछ यूँ है कि गुजरात शहर की सीट से पी टी आई की नामजद करदा उम्मीदवार हैं कैसरा इलाही यानी चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन अपनी सगी पुठों का मुकाबला करेंगे गुजरात शहर की इस सीट से नाजन दीगर जमातों का जिक्र करें तो यहाँ से न लीग के उम्मीदवार थे अलीमुद्दीन बड़ाइज गुराली एम एन ए के और सुबाई नशस्तों पर हाजी नासिर महमूद और उनके भतीजे इमरान ज़फ़र उम्मीदवार थे लेकिन एक सीट एडजस्टमेंट का बड़ा चर्चा था फिर बात आई कि जब चौधरी हुसैन का बयान आया कि हमें ऐसी सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए सिर्फ हमें तीन सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है तो इस पर फिर ज़िली आदत जो थी न लीग की उसने अपनी मरकज़ी क्यादत से ये मुतालबा किया कि जनाब हमें अपना पैनल खड़ा करने दिया जाए और हमें मुकाबला करने दिया जाए लेकिन उस वक्त तक पार्टी के निशान जारी हो चुके थे फिर पता ये चला कि पार्टी ने हिदायत की है अलीमुद्दीन बड़ाज को हाजी नासिर को इमरान ज़फ़र को कि आप एक मज़बूत पैनल बनाकर निशान लेकर मुकाबला करें लेकिन अजीन अब ताज़ा खबरें ये हैं कि ये बेल मंडे नहीं चढ़ी और चौधरी शुजात हुसैन और मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ में कोई बात तय पाई है कि न लीग का पैनल हुसैन और शाफे हुसैन दोनों भाइयों के मध्य मुकाबिल गुजरात शहर और नीचे जो सुबाई हल्का है इकतीस और बत्तीस वहां से मुकाबला नहीं करेगा गोया चौधरी सालक हुसैन के लिए मैदान बिल्कुल हमवार है और कैसरा इलाही वो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं गिला करती हैं कि उनको बिल्कुल भी कम्पेन नहीं करने दी जा रही और बंटवारा हुआ जब जहूर पैलेस का तो यहाँ भी कैसरा इलाही ने इल्ज़ाम लगाए कि सालिक और शाफे जो हैं उन्होंने हमारे कमरों के ताले तोड़वाए और पुलिस के ज़रिए से हमें हरासा किया जाता है हमारे मुलाजमों को ग़ायब कर दिया जाता है तो जनाब ये सूरत हाल है सारी नाजिन और अब अगर तज़िया किया जाए गैर जानबदारी से तो बज़ाहिरकसैन के रस्ते में एम एन ए बनने के लिए कोई रोक कोई रुकावट नहीं है क्योंकि नून लीग का उम्मीदवार ही नहीं है और बाजी में भी नून लीग की इस हल्के से कोई पोजीशन इतनी ख़ास नहीं रही नाजीन यहाँ से एक और पेशर हुई अल्हाज अफजल गोंदल जो कि पीटीआई के देरीना कारकुन और रहनुमा है उन्होंने भी यहाँ से एन ए चौसठ गुजरात शहर से दरखास्त जमा करा रखी है लेकिन उनको पार्टी टिकट नहीं मिला और उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम चौधरी परवेज़ इलाही पर यह आयद कर दिया कि ये घर में आपस में चौधरी बरादरान मिले हुए हैं साजबाज है, साज है। परवेज इलाही ने जान बूझ कर उनको हाईकोर्ट से इजाजत भी मिल गई थी इलेक्शन लड़ने की लेकिन परवेज इलाही ने कमज़ोर उम्मीदवार कैसरा इलाही को सालिक के सामने खड़ा कर दिया ताकि पीटीआई का टिकट और किसी को मिले ना सारा फायदा हुसैन को मिल जाए खुद परवेज इलाही जो है वो कुंजा से लड़ रहे हैं और वो पीटीआई का वोट लेकर आने वाली सियासत में अपने मुस्तबिल का फैसला करेंगे ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था अफजल गोंदल का नाजिम तज्जिया कुछ यूं है कि अगर पीटीआई का जो पॉपुलर वोट है तमाम सर्वेस में जिस तरह पीटीआई को आगे बताया जाता है अगर खामोश वोटर आठ फरवरी को घर से निकलता है बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट डालता है आ, अगर वो नजरिया इमरान खान का लेकर चलता है जो भी उम्मीदवार सामने आ जाए तो फिर तो कहा जा सकता है कि कैसरा इलाही शायद अपने भतीजे को शिकस्त दे पाएंगी लेकिन इस सारे का दारो मदार पोलिंग स्टेशन पर क्या बीतती है पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स पर और वोटर्स के साथ आठ फरवरी को इसका फैसला हो पाएगा सर दस्तना तो नाजी बज़ाहिर तमाम क्राइम शवाहद आसार ये बताते हैं कि हुसैन की जीत जिस तरह कहते हैं ना इलेक्शन में कि जी फला उम्मीदवार की जीत आसमानों पर लिखी जा चुकी है तो नाजी हम कह सकते हैं कि हुसैन की जीत कहीं लिखी जा चुकी है जहां सारे फैसले होते हैं अब देखना यह है नाजीन कि आठ फरवरी को क्या तदबीरें सारी उलट पड़ती हैं क्या पी टी आई का उम्मीदवार सरप्राइज देता है और जिस हैरान सरप्राइज की बात की जा रही है अगर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहता है गुजरात शहर और पंजाब में तो फिर देखना होगा कि कैसरा इलाही कोई तारीख रकम करेंगी इंतज़ार रहेगा अपना ख्याल रखिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज